हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीकी क्लासेस में। एसएससी सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम रिव्यू इंग्लिश का है। अभी अभी पेपर छूटा है, तो जैसे ही जानकारी मिली और पेपर देके मैं भी आया हूँ बेसिकली, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा पेपर रहा और पेपर का लेवल बेसिकली इंग्लिश का कैसा था, पूरे डिटेल बताता हूँ। और इसके बाद एक पूरी लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें मैथ और इंग्लिश का डिटेल बताया जाएगा कि किसके किससे क्वेश्चन आए थे, और मैथ में स्पेशली बताया जाएगा कि क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक याद है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पूरा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। अभी यहाँ इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में हम इंग्लिश का पेपर बताऊँ पहले कैसा था, हार्ड था कि मॉडरेट था कि ईजी था। देखिए, ये जो पेपर था ईजी था। पेपर में केवल कुछ पैसेज मान के चलिए, एक दो पैसेज जो थे वो थोड़ा सा हार्ड थे, अदरवाइज पूरा पेपर जो है वो बहुत ही इजी था। 2018 की तरीके से था, जैसे 2018 का आया था उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा नीचे ही था, तो पेपर हमारा इजी था इस बार। और एसएससी जो पेपर है वो इजी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम गुड अटैम्प्ट की बात करूँ, अगर यहाँ पे हम गुड अटैम्प्ट की बात कर लूँ तो इस बात को मान के चलिए 190 प्लस यूआर के गुड अटैम्प्ट रहेंगे। 190 प्लस यूआर के लिए गुड अटैम्प्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। 190 मान के चलिएगा, 190 के आसपास के आस 100 प्लस नहीं 190 मान के चलिएगा आपका यूआर का अच्छा रहेगा, क्योंकि इजी वे था, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको दोबारा से लिख देता हूँ 190, ये आप मान के चलिए गुड अटैम्प्ट रहेगा इसमें। अब ये है कि 190 में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, अटैम्प्ट का मैंने कहा अटैम्प्ट इतने हैं, एक्यूरेसी भी आपकी 90% के आसपास है तो भी सही है। और वहीं अगर ओबीसी की बात करूँ तो 185 के बाद ओबीसी की बात करूँ यहाँ पर, और यूआर के लिए है, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और एससी एसटी की बात करूँ अगर 165 और 145 नहीं सॉरी 155 अगर ये ओबीसी एसटी ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, अगर इतने कुछ बन रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है।